हेलो दोस्तों, आपने अगर अपनी ओप्पो की फ़ोन को लॉक कर लिया है, चाहे वो पिन लॉक हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, फिंगरप्रिंट हो, किसी भी तरीके का लॉक अगर आप लगा के भूल जाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चाहे पिन, पासवर्ड, पैटर्न, किसी भी तरीके का लॉक हो, बड़े ही आसानी से 2 से 3 मिनट के इस वीडियो को देख के आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाओगे। सबसे पहले तो आप बहुत बार ट्राई करते हैं पिन, पासवर्ड, पैटर्न डालने के चक्कर में, इसको ट्राई नहीं करें। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इमरजेंसी SOS का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको अपने फ़ोन में इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS का एक ऑप्शन ज़रूर दिखाई देगा। आप उस पर ज़रूर क्लिक करें, टैप करें, और उसको जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे इस ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल ओनली वाला पेज ओपन हो जाएगा। यह हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये ओपन हो, ठीक है। जब भी ये इस तरीके का ऑप्शन आए, आपको करना है क्या कि अपने फ़ोन में सबसे पहले आपको FRP को अनलॉक करना है। ये देखिए, हमें जब अपने फ़ोन को FRP अनलॉक करना होता है तो *8812 और हैज को डायल करना होता है। आप इसको जैसे ही डायल करेंगे, यहाँ पे आपको ये कॉलिंग वाला ऑप्शन का एक बार इसको दबाना होगा और कॉल करना होगा, और ओके इस तरीके से दबा दीजिए। जब भी आप इसको टैप करेंगे, आपको यहाँ पे ये कॉल वाला फीचर ज़रूर अप्लाई करना है। अब देखिए, आपके फ़ोन में आपने सिम लगाया हो कि नहीं लगाया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास भी दो दो यहाँ पे सिम लगा हुआ है, और बैटरी का परसेंटेज आपको हमेशा 50% से ऊपर रखना है इस मेथड को करते हुए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, नहीं बताते। अब देखिए, यहाँ पे आपको *8899 और हैज ये मैजिकल कोड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इस कोड के अप्लाई करने के बाद ही आपके फ़ोन में जितने भी तरीके के लॉक लगे होंगे, चाहे वो पिन लॉक हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, सभी लॉक जो है यहीं से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करना है, बड़े ही आसानी से आपको अनलॉक करना है, वो भी मैनुअल टेस्ट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, मैनुअल टेस्ट के इस ऑप्शन में हम जाएंगे और जाते ही इन सारे ऑप्शन को सबसे लास्ट में एक अदर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए, अदर्स का ऑप्शन ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको सारा कुछ सीखना है। अब जैसे ही आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ पे नीचे रीसेट का ऑप्शन आएगा, और अब जैसे ही रीडिंग रीसेट वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा पास का। ये देखिए, अगर ये ऑप्शन पास हो गया तो आपका काम बन गया दोस्तों, और आप अपने स्मार्टफोन को बड़े ही आसानी से अनलॉक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको बीच से स्वैप अप कर दीजिए। ये देखिए, हमने इसको बीच से स्वैप अप किया और हमारे फ़ोन में जितने भी तरीके के पिन लॉक, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, सभी ये अनलॉक हो जाते हैं, और हमसे कोई भी पिन, पासवर्ड, पैटर्न नहीं मांगा जाएगा। विदाउट डेटा लॉस ये मेथड हुआ है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, और कोई दिक्कत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।